हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले आपने अल्कोहल को बनाने की डिफरेंट मेथड स्टडी किए, इसके बाद फिर आपने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी और आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पहले अल्कोहल का एक स्ट्रक्चर देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं अल्कोहल की। अगर हम अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड इतने की सारी रिएक्शंस अच्छे से पढ़ लें तो कम से कम 20 से 25 नंबर हम आराम से इससे ले आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये है अल्कोहल, ROH होता है। तो अल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं इसकी, उसको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। कौन सी? नंबर 1, ऐसी रिएक्शंस जहां पर हाइड्रोजन रिमूव होता है और कोई दूसरा ग्रुप या एटम आकर के अटैच होता है, यानी कि ऐसे रिएक्शंस जो इस बॉन्ड पर, जहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, OH बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक, रिएक्शंस बेस्ड ऑन OH बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। और दूसरी रिएक्शन जहां पर ये कार्बन होगा, यहां पे एल्किल ग्रुप है तो कार्बन होगा, कार्बन से ऑक्सीजन अटैच होगा, तो रिएक्शंस बेस्ड ऑन COH, ये बॉन्ड जहां पर ये COH यानी कि पूरा का पूरा OH ही रिप्लेस हो जाएगा। और तीसरी कैटेगरी रिएक्शंस बेस्ड ऑन होल मॉलिक्यूल, मतलब पूरे ग्रुप पर ही रिएक्शन होगा, पूरे मॉलिक्यूल पर रिएक्शन होगा, यानी कि पूरे मॉलिक्यूल के एटम्स कोई ब्रेक होगा, कुछ अटैच होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक। तो हम 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर लेते हैं। और एक बात और ध्यान में रखेंगे कि जब पहली कैटेगरी की रिएक्शंस पढ़ेंगे वहां पर अल्कोहल का नेचर एसिडिक शो होगा, मतलब क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन निकल रहा है तो हाइड्रोजन वही देते हैं जिनमें एसिडिक नेचर होता है। और जो दूसरी कैटेगरी है जिनमें OH ग्रुप रिप्लेस होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस होता है, वहां पे अल्कोहल का बेसिक नेचर शो होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि अल्कोहल्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, अल्कोहल्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, मतलब उनमें वो एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों नेचर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों याद रखेंगे, एसिडिक नेचर यहां से शो होगा, बेसिक नेचर यहां से शो होगा। आइए बात करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस की। सबसे पहले क्या करते हैं, अल्कोहल की कुछ हम मेटल से रिएक्शन कराते हैं। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती हैं लाइक मैग्नीशियम, लाइक कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, जब इनमें इनको हम डालते हैं अल्कोहल में तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती हैं, जैसे ही अल्कोहल में डाली जाती हैं वहां से हाइड्रोजन गैस रिप्लेस जो है रिलीज होती है। देखें, ये हाइड्रोजन गैस निकलती है जो बबल्स के रूप में निकलती है। ROH अल्कोहल प्लस सोडियम मेटल, सोडियम मेटल से करेंगे तो सोडियम एल्कोक्साइड नाम होता है, सोडियम एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर देखते हैं, C2H5OH एथाइल अल्कोहल प्लस सोडियम मेटल C2H5ONA प्लस हार्वेस्टर।
ये एथिल अल्कोहल, सोडियम मेटल और सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस यहां पे बबल्स के रूप में रिलीज होती है। ठीक, तो ये कौन सी रीजन थी जहां पे हाइड्रोजन रिलीज हुआ है और सोडियम मेटल यहां पे अटैच हुआ है। एसिडिक नेचर, क्योंकि अगर आप सोडियम को वाटर में डाल दें वहां से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, सोडियम को किसी एसिड में डालते हैं लाइक सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दें या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालें तो वहां पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां अल्कोहल एसिडिक नेचर शो करते हैं। दूसरा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया, जहां पर जिसे आप एक रिएक्शन के नाम से और जानते हैं एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन। और ये रिएक्शन किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट होना चाहिए, जैसे जिंक क्लोराइड और ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस ROH या एल्कोहल, इसको थोड़ा सा R डैश कर देते हैं ताकि मालूम रहे कि एल्कोहल का एल्किल ग्रुप कौन सा है और कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्किल ग्रुप कौन सा है। इसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि यहां से केवल हाइड्रोजन में निकालना है, हाइड्रोजन निकालना है तो क्या होगा, ऑक्सीजन निगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे पूरा OH निकलेगा, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव निकलेगा, ये पूरा का OR ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा और बनेगा RC2। इतना तो था ही, OH को हटाना है, H यहां से ले लेंगे प्लस H2O बनाएंगे और RCO इतना पार्ट यहां से OR डैश ऐसा यहां पे अटैच हो जाएगा। ये एस्टर होता है, एस्टर। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ कराई जाती है तो एस्टर फॉर्म होते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन। क्योंकि एस्टर फॉर्म होता है, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग, तो ये मैंने कहा था इतना पार्ट यहां से अटैच हो जाएगा, ये पार्ट यहां से निकलेगा और ये पार्ट यहां से निकलेगा, H2O फॉर्म हो जाएगा और ये CH3CO यहां से और OC2H5 एथिल एसीटेट। इस रिएक्शन को हम किसकी प्रेजेंस में करा सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड वो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है और ड्राई HCl गैस, शुष्क HCl गैस जो होती है। हाँ, एक बात याद रखेंगे, जब इस रिएक्शन को हम ड्राई हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की प्रेजेंस में कराते हैं तो इसको एक नाम देते हैं, फिशर स्पीयर रिएक्शन। क्या देते हैं, फिशर स्पीयर रिएक्शन, फिशर स्पीयर अभिक्रिया कहते हैं। कब, जब एस्टरीफिकेशन की का प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होता है तो हम उसे फिशर स्पीयर रिएक्शन कहते हैं। कभी कभी नेम रिएक्शन से भी पूछ देते हैं इसको। अब इसके बाद आता है एसाइलेशन, एसिलीकरण। एसिलीकरण क्या होता है, जब हम एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल की तो वहां पर भी एस्टर फॉर्म होंगे,
एस्टर फॉर्म करने का दो तरीका, एक तो आप एसाइलेशन करा दें अल्कोहल का, या उसका एस्टरीफिकेशन करा दें। तो एसाइलेशन क्या होता है देखें, ये है एसिटेट एसिल क्लोराइड, इसको हम क्या करें, ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। हम जानते हैं कि हम ये बॉन्ड तोड़ गए, ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये क्या होगा निगेटिव, ये क्या निकलेगा पॉजिटिव, यहां पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये सीएल एच लेकर क्या होगा एसिड बनाएगा, बाकी क्या होगा आर डैश सीओ, इतना ये पार्ट आकर के पूरा यहां पे अटैच हो जाएगा। तो आर डैश सीओ ओ आर, अब हम क्या करते हैं इसको एक सी टू एच फाइव ओ एच प्लस सी एस थ्री सी ओ सी एल, इसको यहां से ब्रेक करेंगे, इसको यहां से ब्रेक करेंगे, एच सी एल निकाल के बाहर कर देंगे, प्लस ये सी एस थ्री सी ओ इतना पार्ट इसको जोड़ देंगे सी एस थ्री सी ओ ओ सी टू एस फाइव, ये भी हो गया एथिल एसिटेट। एस्टर, तो ये तीसरी रिएक्शन थी जो कि जिसमें कि OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। एक और रिएक्शन हम लोग देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, रिएक्शन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, आर एम जी एक्स, यहां पर लिख दे आर एम जी एक्स, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। और इस रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है, एल्केन फॉर्म होते हैं। कैसे, आपको पता है यहां से हाइड्रोजन रिलीज होना है, पॉजिटिव होकर निकलना है, आर मतलब कोई एल्किल ग्रुप होगा, एमजी मैग्नीशियम मेटल है तो ये होगी पॉजिटिव, ये होगा निगेटिव, तो ये निगेटिव इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये बनेगा आर एच प्लस एम जी एक्स, तो यहां पे है इतना पार्ट अटैच कराइए तो एम जी ओ आर एक्स एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। ये एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया यानी रिएक्शन जब हम मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ कराएंगे तो हमने कहा था ये पार्ट किसके साथ अटैच होगा, इतना पार्ट, ये CH3H मतलब CH4 मेथेन CH4 प्लस MgCl OC2H5 MgOC2H5 Cl एथॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड, ये साइड प्रोडक्ट निकलेगा और क्या बनेगा आपका मीथेन। इस रिएक्शन की हेल्प से आप एथेन प्रोपेन ब्यूटेन भी बना सकते हैं। ये जितना बड़ा एल्किल ग्रुप ले लेंगे उतना बड़ा एल्केन यहां पे आपको मिल जाएगा, यानी कि इससे मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन आदि भी बनाए जा सकते हैं एल्कोहल से। ठीक है, तो ये जो चार रिएक्शन मैंने बताई है, एस्टरीफिकेशन, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, एसाइलेशन और रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये चारों रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जो डिपेंड करती हैं OH बॉन्ड पे, यानी कि जहां पे OH बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है ऐसे रिएक्शन। तो इनको अलग अलग रिएक्शन आप याद रखेंगे समझ के तो ज्यादा साथ याद होंगे। अब हम लोग दूसरी कैटेगरी में पढ़ेंगे जहां पे OH ब्रेक होता है। ठीक है, If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.